अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत मज़े में हूँ। तो जी ये उसी दिन की शुरुआत है शाम की। बस मैंने लिप बाम लगाया है और वही लिप बाम चीक्स पे लगा ली। हाँ सुहागी भी लगाया है। दिखाओ। घर में कोई भी नहीं है। मैं पिछले एक घंटे से तैयार बैठी हुई हूँ, वाहिद भाई का वेट कर रही हूँ। वाहिद भाई अभी तक नहीं आए। वाहिद भाई नहीं आए, हम तैयार बैठे हुए हैं कब से। बोलो सोहा, हमें जाना है काम पे। काम में जाना है। सोहा को ही तो सारा काम करना है जाके, पता है। सोहा ही तो सबको कपड़े निकाल निकाल के देगी, है ना सोहा। और सोहा ही तो लेके रखेगी कपड़े, है ना सोहा। तो घर पे बेसिकली कोई भी नहीं है ना। अम्मी बाबा हैं और समीर भी 6:30-7 बजे तक आता है। तो मैंने कहा आधा पौन घंटे की बात होगी, तो समीर इसको मेरे पास से ही। अब्बा आ गए। हाँ। तो बस अब आप नहीं जाओगी, अब अब्बा आ गए ना, अब अब्बा के पास रुकना। ये है जी हमारे नए दौर के अपकमिंग सुपरस्टार वलीद और सलमान। ये दोनों मस्तियां कर रहे थे तो मैंने इनको शूट कर लिया। अब ये अपकमिंग सुपरस्टार्स होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी ये हो रही है फ्यूमिगेशन। तो बा इतना धुआं। नैना तो मुंह पे कुछ ढक क्यों नहीं रही है, तुम्हें मरना है। यार मैंने ढका है, मेरा मास्क नहीं है ना, किससे ना। ओह गॉड। खाने में जी बनाई है आलू की कतलियां और ये रही रोटी जो मैं सोहा को खिला रही। और जी ये रही मैं। आज है थर्सडे का दिन, आज है छुट्टी। तो जी घर पर है, कल जाना है, कल जुम्मा है, कल 24 है, कल शूट है, ईमैक्स जाना है कोरंगी। तो फिलहाल आज छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। दवा खा रही हूँ, विक्स लगा रही हूँ, अभी भी लगी हुई है। चिपचिपा सर लग रहा होगा क्योंकि सर का दर्द जो नहीं जा रहा है, वो मुझे जो एंटी एलर्जी की वजह से जो जम गया ना बलगम, तो उसकी वजह से ना ये सब पार्ट, ये पूरा यहाँ तक ना, ये ऐसे सर घुमा रहे ना तो ये खिंच रहा है, तो ये दुख रहा है। तो उसमें मैं विक्स लगाई हुई है, होपफुली रात तक, कल तक आराम आ जाए बस। जी ये रही सोहा। ये अपने मैंने इनको स्कूल से आते ही लगा दिया है तेल। 1 बजे सोहा आई है, अभी बज रहा है 1:30। तो तेल लगा हुआ है और खाना जो है वो यहाँ आ गया है और यहाँ बैठ के खा रही हैं। पहले उनको वहाँ खाना था, अब उनको यहाँ खाना है। अब उन्हें यहाँ इसलिए खाना है क्योंकि उनको टीवी पे बाबा देखना है। तो बस बच्चों की फरमाइशें पूरी करते रहो। तो जी हमारी मोहतरमा नहा के आ गई हैं और ड्रामा हो रहा है सर्दी लगने का। इतनी एक्टिंग करती है ये लड़की। फोन ले लूं। तो जी नहाई नहाई हो गई है सोहा की, खाना भी खा लिया है। आज सोहा के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और सोहा गिर गई है, उनकी नी में थोड़ी सी चोट आई है जो कि ऑब्वियस था स्पोर्ट्स डे में होना। कल सोहा के स्कूल में है एनुअल डे पार्टी। अम्मा आप जाओ स्कूल में। नहीं आपकी पार्टी ना, आप जाओगी रेडी होके अच्छे से कपड़े पहन के हीरोइन बन के। दादा लेता आए तो आप अम्मा लेती नहीं आई थी। दादा को मैंने बोला था कि मैं ले आती हूँ सोहा को, पर दादा ने बोला कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ तो मैं ले आऊंगा सोहा को। अब ले आए ना दादा, कोई बात नहीं। अम्मा लाए, दादा लाए, अब्बा लाए, नाना लाए, कोई भी लाए, कोई बात नहीं। कल आपको नाना लेने आएंगे स्कूल से, ठीक है। आप नाना के साथ जाना और वहाँ जाके मस्ती करना, पर आप दोपहर में सो जाना जाके। मैं सोना। सोगी नहीं तो फिर पनिश करूंगी मैं आके ऑफिस से। क्यों करे थे? क्योंकि आप सोगी नहीं तो फिर मैं पनिश करूंगी। फिर मैं बता रही हूँ सबको, सुन लो सब, सोहा को पनिश मिलेगी। सोहा को बता दें सब कि अगर सोहा सोएगी नहीं दोपहर में तो फिर मैं सोहा को पनिश करूंगी स्कूल से आके, वो ऑफिस से आके, ठीक है। तो आपने सो जाना है नाना के घर जाके। हाय दोस्तों, वर्कआउट हो गया है, समीर भी आ गया है। अब सोहा के कल पार्टी में नूडल्स मंगाए हैं, पास्ता मतलब। अम्मा, जी ये लंच में दे देना, ठीक है। क्या दे दूं लंच में? फ्रेंच फ्राइज नहीं है, ये पास्ता है, ये खाएगी सोहा। चलो बनाते हैं चलते। अरे दोनों दोनों बातें, दोनों दोनों बनाते हैं। अब्बा को सलाम किया आपने? अस्सलाम वालेकुम सोहा के अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। ये जी पास्ता की सब्जियां कट गई हैं और यहाँ पास्ता बॉईल हो रहा है, बस तैयारी होगी। क्या हो रहा है सोहा, क्या हो रहा है?
और मुंह में घुसेड़ लो, दूर करो, दूर करो ना फोन, मैं नूडल्स नहीं दूंगी, बस सही है फिर तुम्हें तो दूर करो। ये पास्ता रेडी है एंड सोहा इज सुपर एक्साइटेड टू ईट द पास्ता। सोहा गिर जाएगा, आराम से बेटा मैं खिला रही हूँ, नहीं गिर जाएगा बाहर, मैं मिक्स करके खिला रही हूँ ना, रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी मची हुई है। ये जी मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी, क्या कहते हैं, कल शूट है, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, मतलब स्कार्फ्स वगैरह चाहिए थे सूट के साथ, एंड कुछ घड़ियाँ लेने गई थी, तो मतलब समझ नहीं आ रही थी सस्ती घड़ियाँ। समीर इज़ हैविंग हिज पास्ता। ये सब कपड़े अम्मी के जाने के लिए रखे हैं और ये मैं कल पहनूँगी, आयरन कर रही हूँ। और जी व्लॉग को भी बस एंड कर रही हूँ, तो ये था आज का सारा व्लॉग, आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से ये भी मिक दो दिन का मिक्स होकर आया है, आई हैव नो आइडिया, अभी कुछ आइडिया नहीं चल रहा है, शूट चलिए नींद चलिए उठ रहे हैं, शूट चलिए नींद चल रही है, दिन रात का कुछ पता नहीं है। तो आपसे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, आप सभी को ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।